मोटर में पेट्रोल खत्म हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है बड़े भैया, दरअसल पतलू के चाचा से स्कूटर लिया है चलाने के लिए, लेकिन बिना हेलमेट पहने स्कूटर या मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, इससे हमारी जान को खतरा है और पुलिस भी पकड़ लेती है। इसीलिए हेलमेट की दुकान ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही। इनको ये पुराना मुकुट भी ले लाओ, कितने सालों से पड़ा है, कोई खरीदता ही नहीं। ये लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे भैया, मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं तुम्हें इंडियन हेलमेट देता हूँ, ऐसा हेलमेट जिसे बड़े बड़े राजाओं ने पहना है। ये तो मुकुट है, हेलमेट कहाँ है? यही तो इंडियन हेलमेट है। क्या बोलते हो? और तुम लोग भी तो फुरफुरी नगर के राजा हो। वो तो है। देर देर किस बात की, ले जाओ इसे और अपनी शान बढ़ाओ, एकदम सस्ते में दूंगा भैया। एकदम सस्ते में? अब कितना दे? जो चाहे दे दो। बात में दम है बड़े भैया। चलो आज पीछा छूटा उस पुराने मुकुट से। अरे ये रोशनी कैसी थी? कम अकल मंत्री, ये हमारा तेज है जो चारों तरफ फैला है। अच्छा अच्छा, अब बकबक बंद कर मोटू और स्कूटर चला। क्या कहा मोटू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फुरफुरी नगर के महाराजा मोटेश्वर को मोटू कहा? मंत्री, पहली गलती है, क्षमा कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती हुई तो सर कलम कर दूंगा। अच्छा अच्छा, अब स्कूटर चला। क्या कहा? हम वाहन चला के तुम्हारा सारथी बने? इतनी हिम्मत? हम राजा हैं, हम बैठेंगे, तुम वाहन चलाओगे, सारथी वाहन चलाओ। तो फिर हेलमेट मुझे दो। हमारा मुकुट छीनता है देशद्रोही करतार, ये नहीं। राजा की तरह हरकत कर रहा है और क्या जोरदार थप्पड़ मारा है, इतनी ताकत कहां से आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर कभी हमारा मुकुट छीनने की गलती करोगे? नहीं महाराज, हरगिज नहीं। चलो देखते हैं कि हमारे राज में कहीं महंगाई तो नहीं बढ़ रही। अरे भैया, समोसे क्या भाव दिए? अब ये नया ड्रामा क्या है, कोई नाटक कर रहे हो? वह समोसे का भाव पूछ रहे हो, पहले का पैसा तो दो। मंत्री ये क्या कह रहा है? तुम हमारी प्रजा से उधार खाते पीते हो, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मंत्री की भूल को क्षमा करना मित्र, हम आज ही अपने खजाने से 100 सोने के सिक्के तुम्हें भिजवा देते हैं। अरे भैया, ये मोटू को क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं क्यों अचानक पागलों जैसी हरकत कर रहा है। तुम प्लीज इसे संभालो, मैं डॉक्टर झटका को फोन करता हूँ। चाय वाले, हमारे महाराज मोटेश्वर को जलेबी भी खिलाओ, हम अभी सोने के सिक्के लेकर आते हैं। जी मंत्री जी। इससे मेरा क्या होगा? थाल भर के लाओ। पैसे का तुम्हारे पिताजी देंगे। अपमान, हमारा अपमान हुआ है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आओ, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। अरे आज तेरा हिसाब बराबर कर ही देता हूँ, कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं। आ गया है, अपने ऊपर वाले को याद कर ले। अंत मेरा नहीं तुम्हारा आ गया है। अरे कब से तरस रहा हूँ तुम्हारी धुलाई करने के लिए। महाराज रुकिए रुकिए।
का बदला जरूर लेंगे। आज तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। मंत्री तुम बीच में मत आना। इस मुकुट को पहनते ही मोटू भाई को महाराजा समझने लगता है। इस मुकुट को चाहिए। मोटू पागल हो गया, मोटू पागल हो गया। रुको, अरे महाराज को कहा, मेरा मतलब है मोटू को कहा ले जा रहे हो? हमें यहाँ इस तरह जबरदस्ती क्यों लाया गया? अपने मंत्री को फोन करके कहो कि हमें 20 लाख सोने के सिक्के चाहिए, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मोटू मोटू, 20 लाख ज्यादा है तो 15 लाख मांग ले। मुझे मारा, ये देखो मेरा क्या हाल कर दिया। मुझे मोटू कहा, हम महाराजा मोटेश्वर है, भुरपुरी नगर के राजा। हमारे लिए 15 लाख मांगा है। छोटे आदमी छोटी सोच। महाराजा सर, तो फिर कितना मांगे आप ही बताइए। कम से कम 20 करोड़ मांगो। क्या कहा, 20 करोड़? सुना तुमने नंबर दो। उसे उठाओ, अभी 20 करोड़ मिला नहीं है। महाराज अगर आप अपने मंत्री पत्नू को फोन कर दे तो वो 20 करोड़ ले आएगा। अब महाराजा हम किसी को फोन नहीं करते, लोग हमें फोन करते हैं। तुम हमारे मंत्री को ढूंढ के ये संदेशा दो और तब तक मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। हम खुश तो तुम खुश, हम नाराज तो तुम। समझ गया महाराज, समझ गया। नंबर वन तुम जाओ पतलू को ढूंढो, और नंबर टू तुम महाराज के खाने की सप्लाई दे दो। अरे वो पतलू अभी तक आया क्यों नहीं? उसका पेट है या गोदाम, खाना खत्म ही नहीं कर रहा। अब तो पैसे भी नहीं है और खरीदने के लिए। अरे दरबान सुनो। दरबान कहा मुझे? जी महाराज, हमने किसी सिपाही को खाना लाने भेजा था, वो अभी तक आया नहीं। आता ही होगा महाराज। मंत्री जी आ गए। आप रुपए लाए हैं। महाराज की जय हो। महाराज आपने 20 करोड़ रुपए का संदेश भेजा था, लेकिन इतने कम समय में 20 करोड़ रुपए लाना मुश्किल था। कोई बैंक नहीं दे रहा था, इसलिए 20 करोड़ सोने के सिक्के ले आया। मधु सुना, 20 करोड़ सोने के सिक्के। उसे उठाओ, अभी सिक्के मिले नहीं। उस बॉक्स में है, ले लो। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। जॉन हमारे पास कुछ खजाना नहीं, सिर्फ ये सोने का मुकुट है। जो इसे ले लिया ये उसका। खामोश, ये सब क्या हो रहा है? आई एम किंग जॉन द डॉन। सिपाहियों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ फुरफुरी नगर को लूट लो, चोरी करो, डाका डालो, किसी को मत छोड़ो। मेरा खजाना भर दो और इस मोटे का पेट गरम कर दो। बॉस, पेट कलम कर दूं या सर कलम कर दूं? इसका सर तो खाली है, पेट में ही सब कुछ है। पेट कलम कर दो। मुझे
समझ गए और कुछ बोलना है या मुकुट छीने? ये क्या बोलता है जी? महाराजा चिंगम की जय हो, महाराजा विजय राजा अय्यर चिंगम की जय हो। महाराज आपके राज में दो खतरनाक अपराधी और देशद्रोही आ गए हैं, आप कहे तो उन्हें खत्म कर दे। कौन है वो? खत्म कर दो, हमारे देश में कोई अपराधी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भाई कौन? बोलो 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 बोलो। महाराज वो दोनों अपराधी ये है और पत्नी। मोर दो, खत्म कर दो, छोड़ो मत। चिंगम सर क्या कर रहे हो? हम मोटू पतलू हैं आपके दोस्त। बचाओ, अभी तुम किसी का दोस्त नहीं रहेगा। आज मेरा बदला पूरा होगा। छोड़ दो मत।